नमस्कार, ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज का हमारा विषय रहेगा भक्तिकाल। हम पढ़ रहे थे भक्तिकाल, इससे पूर्व हमने अध्ययन किया भक्तिकाल की परिस्थितियाँ और भक्तिकाल के अंतर्गत निर्गुण काव्यधारा उनके कवि और सगुण काव्यधारा उनके कवि व उनके काव्यों का। आज हम अध्ययन करेंगे भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ। भक्तिकालीन साहित्य में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ प्रभावी रही वो भक्तिकाल की प्रवृत्तियों के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करेंगे। परीक्षा में प्रश्न आता है भक्तिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में स्पष्ट कीजिए, या फिर ये भी पूछा जा सकता है भक्तिकाल की विशेषताएँ लिखिए। तो विशेषताएँ और प्रवृत्तियाँ दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। यदि आप प्रश्न आए कि भक्तिकाल की विशेषताएं लिखिए या भक्तिकाल की प्रवृत्तियां लिखिए, तो दोनों का उत्तर एक ही है। तो आइए शुरू करते हैं भक्तिकाल की प्रवृत्तियां। भक्तिकाल की अनेक प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णयुग है। यहाँ हम कुछ प्रवृत्तियों को ले रहे हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं। भक्तिकाल में नाम का महत्व, ईश्वर के नाम, गुरु के नाम की महत्ता दिखाई गई, गुरु का महत्व, भक्ति भावना की प्रधानता रही, आडंबरों का विरोध किया गया कबीर जैसे कवियों ने, और समन्वय भावना मिलती है तुलसीदास के साहित्य में, और अलौकिक साहित्य भी देखने को मिलता है। और जो आदिकाल में दरबारी साहित्य अपने चरम पर था और दरबारी जगमगाहट से पूर्ण ही साहित्य लिखा जा रहा था आदिकाल में, भक्तिकाल में वह परम्परा टूटी और दरबारी साहित्य का त्याग करते हुए एक साहित्य को नया रूप प्रदान किया गया। इसी के साथ काव्य रूप में देखें तो भाषा अवधि भी थी, ब्रज भी थी, छंद अलंकार इत्यादि का प्रयोग देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ। सबसे पहले तो है नाम का महत्व। भजन कीर्तन आदि ईश्वर के नाम स्मरण का ही एक माध्यम है। तो भजन कीर्तन के रूप में भगवान के गुणों का स्मरण किया जाता है और ये सब कवियों ने अपने काव्य में कार्य किया है। सभी कवियों ने अपने इष्ट देवता का स्मरण किया है और गोस्वामी तुलसीदास ने राम के नाम को बहुत ही महत्व दिया है। राम का नाम ही जो है उद्धार कराने वाला है और इस भव सागर से पार कराने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं, मोरो मत बड़ नाम दुहू, मेरे मत से बड़ा नाम किसी और का नहीं है, केवल श्री राम का ही है। जिहि किए जगनित बलबूते, और सारा संसार जिसके बलबूते पर ही स्थापित है वो है मेरे भगवान श्री राम का नाम, जिनका मैं दास हूँ। मोरो मत बड़ नाम दुहू, जे ही किए जग नित बलबूते। तो नाम का महत्व सभी ने अपने अपने इष्ट देवता को अपने काव्य में स्थान दिया है और उनके नाम के महत्व को सिद्ध करते हुए अपनी भक्ति भावना का प्रदर्शन किया है। गुरु का महत्व, गुरु का महत्व भी देखने को मिलता है। ईश्वर के समान ही गुरु का स्थान दिन बताया गया है और गुरु को ईश्वर के तुल्य बताया गया है। और गुरु का महत्व स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, गुरु के महत्व को स्पष्ट करते हुए कबीर ने गुरु को ईश्वर के समतुल्य बनाया है, ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दे दिया है कभी गुरु को। गुरु गोविंदो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं, मेरे सामने मेरे गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, मैं किसके पांव लगूं, किसके चरण छूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही महान हैं। बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए, फिर भी मैं जाकर पहले अपने गुरु के ही बलिहारी जाता हूँ, उन्हीं के चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि वो गुरु ही ऐसे हैं जिन्होंने मुझे गोविंद तक पहुँचने का मार्ग बताया है। तो गुरु और गोविंद दोनों में सबसे पहले मेरे लिए जो आराध्य हैं वो हैं गुरु हैं, क्योंकि गुरु ही मुझे मेरे ईष्ट श्री गोविंद श्री कृष्ण तक पहुंचाने का उन्होंने मुझे मार्ग सूचित किया है। तो ये पद है गुरु के महत्व का, और गुरु की महत्ता सभी ने अपने अपने अनुसार स्पष्ट की है और कबीर ने गुरु के महत्व को बहुत अधिक प्रदर्शित किया है। संत काव्यधारा में ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है भक्ति काल है, तो भक्ति काल से ही स्पष्ट होता है कि इस काल में भक्ति भावना की प्रधानता देखने मिलती है। निराश हताश जनता जो है भक्ति की तरफ ईश्वर की ओर अग्रसर हुई, उनका ध्यान गया और सभी कवियों में भक्ति भावना मिलती है। कबीर ने तो भक्ति भावना
अलग अलग रूपों में की है और उनकी भक्ति भावना में आडंबरों का विरोध देखने को मिलता है। हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार, तो ये कवि का कहना है कि हरि ही भक्ति ही इस संसार में पूरा जीवन का आधार है। और अन्य काव्य जो कवि हैं उनके काव्य में भी भक्ति मिलती है, जैसे कि सूरदास देखें तो सूरदास ने के काव्य में कृष्ण भक्ति मिलती है और कृष्ण भक्ति भाव से संबंधित है सूरदास। और तुलसीदास के काव्य में श्री राम के प्रति भक्ति है और इनका रामचरित मानस है जो राम के चरित्र का ही मानस है, जिसमें राम का चरित्र को इन्होंने दिखाया है, प्रदर्शित किया है, पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो सभी कवियों ने उनके काव्य में भक्ति भावना देखने को मिलती है। भक्ति काल के कवि देख लिए, मीरा देख लीजिए, रहीम देख लीजिए, रसखान देख लीजिए, नाभादास, अग्रदास, रामानंद इत्यादि सभी जो भक्त कवि हैं उनके काव्य में भक्ति भावना देखने को मिलती है। और इन्हें भक्त कवि भी, इन्हें केवल कवि नहीं कहा जाता, ये कहलाए हैं भक्त कवि की श्रेणी में आते हैं ऐसे कवि। आगे बढ़ते हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, अगला पद है आडंबरों का विरोध। ये सबसे प्रमुख विशेषता है भक्ति काल की और इसमें प्रमुख नाम आता है कबीर का। कबीर ने इस क्षेत्र में बहुत ही कार्य किया और उन्होंने आडंबरों का विरोध करते हुए बहुत से पद लिखे हैं। जैसे कि एक पद मैं आपको इनका बताऊं, दुबाहे आडंबरों का पूजन, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्होंने कहा कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। तो मुस्लिम जो भक्ति के प्रति कहा है कि मुसलमान जो बाग देते हैं, अल्लाह का स्मरण करते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लिया बनाए और उस पर भी आप ऊंची ऊंची बाग दे रहे हो, आवाज़ कर रहे हो, तो आपका क्या खुदा बहरा है जो आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। और इसी प्रकार से हिंदू धर्म पर इन्होंने कहा है, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूज उपहार, ताती की चाकी फली पीस खाए संसार। तो वो कहते हैं कि मनुष्य मंदिरों में मूर्ति पूजा करता है, कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो वो कहते हैं मनुष्य मंदिरों में मूर्ति पूजा करता है, घरों में मूर्ति पूजा करता है, तो वो कह रहे हैं पाहन पूजे, मूर्ति पत्थर की बनी है, उस पत्थर को पूजने से यदि हरि मिलता है, ईश्वर मिलते हैं, तो मैं पहाड़ की पूजा करूँगा, पहाड़ को भी पूज लूँगा, परंतु ऐसा नहीं होता उनका कहना है। ताती ही चाकी भली पीस खाए संसार, वो तो कहते हैं इससे घर की चक्की भली है उसका अधिक महत्व है, जिसका पीसा हुआ पूरा परिवार पूरा संसार खाता है, तो मेरे लिए इन मूर्तियों का कोई भी महत्व नहीं है। यहाँ हम एक और पद देखते हैं कबीर जी का है जो आडंबर के विरोध में है, जप माला छापे तिलक सरे ने एको काम, मन कांचे नाचे व्रथा सांचे राचे राम। वो कहते हैं हाथ में माला लेने से और मस्तक पर तिलक लगाने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कार्य की सिद्धि तो तभी होती है जब हमारे हृदय में हम सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करेंगे, उससे लगाव करेंगे। तो जप माला छापे तिलक सरे ने एको काम, मन काचे नाचे व्रथा साचे राचे राम। हमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए सच्ची भक्ति, सच्ची आराधना होनी, सच्ची निष्ठा होनी बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और अगली भक्ति काल की प्रवृत्ति को देखते हैं, तो वो है समन्वय की भावना। इसे आप यहाँ सही कीजिए, समन्वय की भावना। ये देखने को मिलती है तुलसीदास के काव्य में। तुलसीदास समन्वयवादी कवि भी कहलाए हैं। तुलसीदास को समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है। इनके काव्य में जो रामचरित मानस है वो समन्वय की एक विराट चेष्टा देखने उसमें मिलती है। भक्ति काल के साहित्य में धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक और सभी क्षेत्रों में समन्वय की भावना मिलती है। तुलसीदास ने तो समन्वय की विराट चेष्टा की है। ये इनकी इसमें प्रश्न भी आ जाता है कि समन्वय की विराट चेष्टा करने वाले तुलसीदास और इनका जो समन्वय है वो अलग अलग क्षेत्रों में है, अलग अलग सभी प्रकार से समन्वय मिलता है, निर्गुण सगुण का, ज्ञान और भक्ति का, ब्रह्म और वैष्णव का, विभिन्न प्रकार के समन्वय देखने को मिलते हैं। भक्ति ज्ञान दर्शन के साथ भाषा शैली सगुण निर्गुण तुलसी ने सभी में समन्वय करने की चेष्टा की है और तुलसीदास के काव्य में ये समन्वय का एक विराट रूप नजर आता है और उसी के आधार पर तुलसीदास को है जो है समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इनके काव्य में शैव और वैष्णव का समन्वय मिलता है, सगुण और निर्गुण का समन्वय देखने को मिलता है, ज्ञान और भक्ति का समन्वय है, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद का समन्वय दार्शनिक समन्वय के अंतर्गत मिलता है, साहित्यिक समन्वय देखें तो सभी रसों का समन्वय है,
सभी रस मिलते हैं इनके रामचरितमानस में, और भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों का समन्वय है। जहाँ रामचरितमानस भाव का काव्य है, भावों से संबंधित है, वहीं उसका कला पक्ष शिल्प पक्ष भी वही बहुत ही बेजोड़ और अनूठा है। और साथ साथ इनकी रचनाओं में हमें मुक्तक और प्रबंध का समन्वय भी देखने को मिलता है। इन्होंने मुक्तक काव्य भी लिखे हैं और प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। और सामाजिक समन्वय देखें तो तुलसीदास का शक्तिशील और सौंदर्य का समन्वय है इनके रामचरितमानस में देखने को मिलता है। श्री राम जो शक्ति स्वरूप हैं और उसी के साथ साथ उन्हें शील का आचरण भी है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है वो शील कहलाता है। बड़ों का आदर करना, छोटों से स्नेह करना ये शील के अंतर्गत आता है। और सौंदर्य के तो रूप हैं ही श्री राम, तो शक्ति शील और सौंदर्य तीनों का समन्वय रामचरितमानस में मिलता है। इसी के साथ साथ आत्म पक्ष और लोक पक्ष का भी समन्वय देखने को मिलता है। सत्य शिव सुंदर इत्यादि विभिन्न प्रकार के समन्वय तुलसीदास के काव्यों में हमें नजर आते हैं। तो तुलसीदास समन्वय की विराट चेष्टा है उनका काव्य, और समन्वय का उन्होंने बेहतरीन प्रयास किया है अपने काव्य में। आगे बढ़ते हैं और अगली विशेषता है अलौकिक साहित्य। भक्ति काल में जो साहित्य प्राप्त हुआ वो अलौकिक साहित्य था। काव्य इस काल में जितने भी प्रकार के काव्य लिखे गए सभी ईश्वरीय थे, क्योंकि भक्ति भावना से संबंधित काव्य थे, ईश्वर से जुड़ा हुआ काव्य था, तो इसी कारण वो अलौकिक काव्य था। किसी व्यक्ति पर काव्य लिखने का इसमें कोई भी प्रयास नहीं किया। जैसा कि हमने देखा कि आदिकाल में था चंद्रवदाई का, पृथ्वीराज रासु इत्यादि, ये जो थे वो व्यक्ति विशेष पर लिखे गए थे। परंतु भक्ति काल में जो काव्य लिखा गया वो भक्ति को आधार मानकर और ईश्वर और भक्त इन दोनों के प्रतीकों के माध्यम से लिखा गया। तो व्यक्ति पर काव्य लिखने का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया। और जो रचनाएं हैं वो आध्यात्मिक महत्व भी कोटि की भी हैं, साहित्यिक कोटि की तो हैं ही, इसी के साथ साथ आध्यात्मिक कोटि की भी वो रचनाएं अवश्य हैं। तो भक्ति काल में जो प्राप्त साहित्य है वो है अलौकिक साहित्य। इसके बाद अगली विशेषता है दरबारी साहित्य का त्याग। दरबारी साहित्य आदिकाल में बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलता है। आदिकालीन जो साहित्य है वो दरबारी जगमगाहट का साहित्य था, और दरबारी साहित्य लिखा गया और दरबारी जनजीवन से संबंधित साहित्य भी देखने को मिलता है। परंतु भक्ति काल में आकर दरबारी साहित्य का त्याग हुआ और कवियों का ध्यान राजाओं से हटकर प्रजा पर गया, जनता पर गया, और उन्होंने ईश्वर भक्ति की ओर वो उन्मुक्त होते हुए भक्ति से पूर्ण काव्य लिखा। तो जायसी के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा कवि नहीं था जिसने राजाओं के आश्रय में नहीं रहा, और कवि राज्याश्रय से मुक्त होकर उन्होंने स्वतंत्र रचना की, किसी राजा के आश्रय में नहीं थे, मुक्त होकर उन्होंने काव्य रचना की। और आगे जाकर रीति काल में जरूर राजा के आश्रय में कवि चले गए, परंतु भक्ति काल में बहुत कम कवि थे जो किसी राजा के आश्रय में रहे, सभी स्वतंत्र रूप से सभी ने काव्य रचना की। आगे देखते हैं काव्य रूप, तो ये आता है कला पक्ष के अंतर्गत। अभी तक पढ़ा हमने वो था भाव पक्ष, और ये आते हैं कला पक्ष के अंतर्गत। इस काल में कृष्ण मार्गी तथा ज्ञान मार्गी के अंतर्गत आ जाएंगे संतवाल कवि, और कृष्ण मार्गी जो है ये निर्गुण शाखा में आ गए, और ये आ गए सगुण शाखा में। और कृष्ण मार्गी ज्ञान मार्गी कवियों ने मुक्तक काव्य लिखा, और इसी के साथ साथ प्रेम मार्गी और राम मार्गी आएगा यहाँ पर, कवियों ने मुक्तक और प्रबंध दोनों लिखा। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा थी और जो संत काव्य धारा थी, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर मैं सरल शब्दों में आपको बता दूँ तो ये पंक्ति ये कहना चाहती है कृष्ण भक्ति काव्य धारा और संत काव्य धारा, इन दोनों में तो मुक्तक काव्य लिखा गया, और सूफी काव्य धारा प्रेम मार्गी शब्द आया सूफी काव्य धारा के लिए, और राम भक्ति काव्य धारा में मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार के काव्यों की रचना की गई। भाषा के रूप में देखें तो ब्रज भाषा, उसके साथ साथ अवधि भाषा का भी प्रयोग मिलता है, ब्रज और अवधि भाषा का प्रयोग हमें मिलता है। और कवियों ने मुक्तक, गेयपद, दोहा, चौपाई, सोरठा, विभिन्न छंदों का प्रयोग किया, और विभिन्न रसों का समन्वय मिलता है, क्योंकि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो तो सभी रसों का भंडार है, और सभी रसों का समन्वय उसमें देखने को मिलता है, और शांत रस की प्रधानता रही। तो कला पक्ष में भाषा के अंतर्गत ब्रज अवधि भाषा, छंदों का प्रयोग मिलता है, विभिन्न पदों का प्रयोग मिलता है, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है, और साथ ही साथ काव्य रूप में देखें तो प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य मिलते हैं। तो ये थी भक्ति काल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। आज हमने अध्ययन किया हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत
भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ और विशेषताएँ। आप भी अपने स्तर पर इनका अध्ययन कीजिए और इससे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जो भी विषय हैं, जो भी टॉपिक हैं, उनके साथ मिलेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर भक्ति काल का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। इसे आगे की कक्षा में मिलते हैं हमारे पाठ्यक्रम के अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।